यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के इंटरनेशनल ऑफिस के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी तुलबा व तालिबात के एजाज़ में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। UCP के कोर्टयार्ड में होने वाले इवेंट में प्रोरेक्टर डॉक्टर नसर इकराम, डीन्स, डायरेक्टर, डिपार्टमेंट हेड्स, अफगानिस्तान, श्रीलंका, सऊदी अरब, सोमालिया, बरतानिया, फलस्तीन, मुतहदा अरब इमारात और जनूबी कोरिया के स्टूडेंट्स ने खसूसी तौर पर शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में ज़ेर तालीम इंटरनेशनल तुलबा व तालिबात के लिए सजाई गई इस खसूसी तकरीब का मकसद बैनुल अक़वामी तुलबा व तालिबात के साथ हम आहंगी, मकामी रिवायात व कल्चर और सकाफत से शनासाई और आलमी सतह पर UCP के रोशन तशख़्स को उजागर करना था। प्रोरेक्टर UCP डॉक्टर नसर इकराम ने अपने खिताब में इंटरनेशनल तुलबा व तालिबात को हर मुमकिन सहूलियात, तालीम व तरबियत के लिए बेहतरीन माहौल और भरपूर ताबुन की फराहमी यकीनी बनाने के अज़म का इजहार किया। उनका कहना था कि बैरून मुल्क के तुलबा व तालिबात की जानिब से यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का इंतखाब आलमी सतह पर UCP पर एतमाद का इजहार किया। Represented at UCP, and we want this to grow in x-axis so that more countries are represented, and we would want more students from your respective countries to be part of UCP. UCP इंटरनेशनल ऑफिस के डिप्टी डायरेक्टर सिकंदर सेठी ने UCP TV से गुफ्तगू करते हुए इंटरनेशनल ऑफिस के कयाम और तुलबा व तालिबात की रहनुमाई से मुतल्लिक आगाही दी। This flag ceremony will represent the cultural diversity that we have at the UCP, and likewise the other students at UCP will be able to know that all right, we have students from Afghanistan, we have students from Somalia, Palestine, UAE also studying with us. So that would give a good image of the cultural diversity and mix of the students at UCP, and going forward we think that this will grow eventually going forward. बैनुल अक़वामी तुलबा व तालिबात ने अपने एजाज़ में सजाई गई खसूसी तकरीब के इनेकाद को भरपूर अंदाज में सराहा और अपने ख्यालात का इजहार किया। I study here in UCP in management department. Actually, I am very happy being here in the UCP, and also even today for the ceremony of raising the flags. I'm very appreciate this organization by the UCP of raising our flags in the UCP. So be in UCP, it's opportunity, just I got it and I will not leave it, and I will appreciate for more supporting for the international students here in UCP. मेरा नाम अलका जब्बार है और मैं UK से हूँ, और आज जो सेरेमनी हुई वो बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव रहा है सब स्टूडेंट्स के साथ, और UCP के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही है, बहुत अच्छा है, और फैकल्टी और सारा कुछ बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, और मेरा यही इनिशिएटिव है कि आगे भी और ज़्यादा स्टूडेंट्स इंटरनेशनल आएंगे यहाँ पे, और UCP विल प्रोग्रेस फॉर श्योर। आज का इवेंट सर बहुत आला था, UCP का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि जिसमें उन्होंने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं UCP के, उनको उन्होंने बुलाया और एक फ्लैग सेरेमनी हुई हर कंट्री की, जो कि हमारा स्टूडेंट इधर अवेलेबल था, और मेरे ख्याल से ये एक बड़ी अच्छी एक काविश थी UCP की कि उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया ताकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको भी मोटिवेट किया जा सके और पाकिस्तान का जो कल्चर है उसको भी एक्सप्रेस किया जा सके। मेरा नाम आयशा एजाज है एंड आई एम फ्रॉम UAE, आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन UAE, एंड आज की सेरेमनी खासकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए थी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान प्रोटोकॉल दे रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, और मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट करूँगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि वो सिर्फ UCP में ही आएँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। इंटरनेशनल तुलबा व तालिबात की जानिब से यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का इंतखाब आलमी सतह पर UCP के बढ़ते हुए मयार तालीम, तशख़्स और पहचान का मुसर है। कैमरामैन आमिर भट्टी के साथ अवैस करनी, UCP TV, लाहौर।